दुरंतो ट्रेन अपनी रफ्तार से कोलकाता से दिल्ली की ओर भागी जा रही थी। सारे मुसाफिर अपनी ही दुनिया में मस्त। तभी टीटी रिजर्वेशन बॉगी में नजर आया, एक एक कर सबके टिकट चेक किए और आईडी प्रूफ देखने लगा। तभी दो लोगों ने टीटी से कहा, हमारे पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है। टीटी ने पूछा, क्यों भाई? तभी एक ने कहा, हम उन 30% गरीब लोगों में से हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। टीटी ने पूछा, तो फिर आपने टिकट कैसे बनाया? वो आदमी बोला, साहब ये इंडिया है, यहाँ सब कुछ बन सकता है। टिकट चेकर ने कहा, आपको आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। फिर क्या था, ट्रेन में अरबन नक्सल और छद्म जिहादी लोग इकट्ठा हो गए, खूब बवाल काटा, शोर मचाने लगे, कहने लगे ये टीटी तो सांप्रदायिक है, ये टिकट चेकर एनआरसी का समर्थक है। टीटी शोर शराबा मचाने वाले चंद लोगों के बीच घिर चुका था। उसे लगा कि बाकी यात्री तो मेरा समर्थन करेंगे, लेकिन ये क्या, बाकी यात्री खाने पीने में, बातों में, मोबाइल में और लैपटॉप में व्यस्त थे, कोई भी मदद के लिए टीटी के पास नहीं आया। आखिर टीटी किसी तरह बच बचा कर वहां से निकल गया। सुबह 6 बजे बड़ी संख्या में यात्री हैरान परेशान हालत में टीटी के पास आए। कोई कह रहा था कि मेरा मोबाइल गायब हो गया, तो कोई कह रहा था कि पर्स, किसी की अटैची गायब थी। शोर शराबे के बीच टीटी ने करवट बदली और बोला, अभी तो मोबाइल, पर्स और अटैची ही गायब है। अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा तो जैसे पाकिस्तान से तुम गायब हुए, वैसे ही एक दिन हिंदुस्तान से गायब हो जाओगे।